ट्यूटोरियल लेटर में मैं गोविंद साहू आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे कंटेंट के बारे में देखेंगे जो क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अप्रोचेस को बताता, और बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा कंडीशनल का, इसमें जो मुख्य पार्ट होंगे, ये जो बेस थ्योरम होगा, बेस मेनली इसमें दो टॉपिक्स के कंटेंट होंगे। एक होगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड सेकेंड होगा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ बेस थ्योरम क्रिएट हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम यदि देखते हैं कि कोई इवेंट, यहाँ पर तीन कंडीशन आपके आएंगे। यहाँ मान लो कोई इवेंट ई आई है और इसका इंटरसेक्शन इवेंट ई जे के इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर ये यदि फाई होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन इवेंट में नहीं होंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, फाइव से रिप्रेजेंट होगा। दूसरा चीज यहाँ पर ये हमको मिलेगा कि E1 यूनियन ऑफ E2 यूनियन ऑफ E3 यूनियन ऑफ EN, ये जो होगा टोटल क्या होगा, एक सैंपल स्पेस होगा। और थर्ड चीज यहाँ पर ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो इवेंट होंगे इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ये जो होगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होंगे, जहाँ पर हम E1, E2, E3 अलग अलग इवेंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। और यहाँ पर EI जो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम यदि देखें डायग्राम से, तो डायग्राम से भी देख सकते हैं। डायग्राम इसका क्या होगा, ये टोटल एक सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ये हो गया सैंपल स्पेस S। अब यहाँ पर हम दो इवेंट बनाए, एक इवेंट हम ले लेते हैं E और दूसरा इवेंट हम ले लेते हैं F, इवेंट E और इवेंट F। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पोर्शन होगा इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इवेंट E और इवेंट F का इंटरसेक्शन कहेंगे। तो ये होगा E इंटरसेक्शन ऑफ F, यहाँ पर E इंटरसेक्शन F होगा। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, E इंटरसेक्शन ऑफ F डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा इसका। और ये वाला जो पोर्शन होगा वो होगा F इंटरसेक्शन E डैश, यानी E का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और इन सारी इवेंट को यदि हम हटा दें, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, E डैश इंटरसेक्शन ऑफ F डैश। मतलब यहाँ पर टोटल ये जो होगा, यदि हम इवेंट्स को अलग अलग पार्टीशन कर दें, तो हमको इस तरीके से इवेंट मिल जाएंगे। और ये इवेंट कौन कौन सा हो रहा है, E इंटरसेक्शन ऑफ F डैश या F इंटरसेक्शन ऑफ E डैश या E इंटरसेक्शन ऑफ F या E इंटरसेक्शन F। ये देखिए चार पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग इवेंट्स के लिए यहाँ पर ये बन जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में, यहाँ पर कोई भी इवेंट उस सैंपल स्पेस से सेलेक्ट करके अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, तो
यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा PA इज इक्वल टू PE1 इनटू P A by E1 प्लस P E2 P A by E2 प्लस P E3 इनटू P A by E3 एंड सो ऑन P EN इनटू P A by EN। ये हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी हर इवेंट के यदि निकाल के टोटल कर दें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी A के इक्वल होगा। अब इसी को हम यदि देखें एक डायग्राम के बेस पर, तो डायग्राम के बेस से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये अपन देखें, ये जो होगा टोटल यहाँ पर एक सैंपल स्पेस हो जाएगा और यहाँ पर एक इवेंट हम क्या ले लेते हैं ए, ए एक इवेंट हो गया। अब इस इवेंट से यहाँ पर मान लो अपन एक इवेंट सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया ई वन, एक इवेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक इवेंट यहाँ ले लेते हैं, एक इवेंट यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया ई टू, ये हो गया ई थ्री, ये हो गया ई फोर, ये हो गया ई एन और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। इस सैंपल स्पेस में देखते हैं यहाँ पर अलग अलग कई इवेंट है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा कि कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है जब हम दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी एक्वायर्ड होता है, मिला हुआ रहता है, तब के कंडीशन में हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर जो इवेंट है मिक्स इवेंट होगा, अलग अलग कंडीशन के लिए होंगे, अलग अलग कंडीशन पर जो चीजें रखी हुई रहेंगी वो रहेंगी और उससे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो बेस थ्योरम होगा पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस एंड थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होंगे। यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर एक सिंपल स्पेस और एक इवेंट ये सेलेक्ट करते हैं और इस इवेंट में छोटे छोटे कई इवेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इवेंट E1, E2, E3, EN ये इवेंट देखें तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा हमको इसके अकॉर्डिंग हमको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे इवेंट E1 लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1 होगा इवेंट E1 के लिए, यहाँ पर इवेंट E2 के लिए प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा E2, E3 के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा E3 और EN के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा EN। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी होगा A by E1, ये होगा A by E2, A by E3 और ये प्रोबेबिलिटी A by EN, ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा EN के इक्वल होगा। इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पर बेस थ्योरम देखते हैं, इन दोनों से जो बेस थ्योरम बनेगा, तो बेस थ्योरम जो होगा किसी भी इवेंट के लिए यदि हम निकालें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका यदि हम फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, यानी ए ऑलरेडी अक्वर्ड होगा, ई आई हमको निकालना है, तब के कंडीशन पे यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ से पी आई इंटू पी ए बाई ई आई अपान यहाँ पर ही हो जाएगा समीशन ऑफ वन टू एन तक पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई, यहाँ पर टोटल समीशन हो जाएगा और ये हमारा बेस थ्योरम होगा। यहाँ पर समीशन का मतलब यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा और यहाँ पर ये होगा इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ये जो होगा टोटली बेस थ्योरम जो होगा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होंगे। यहाँ से ये जो बेस थ्योरम होगा, बेस थ्योरम की कंडीशन पर हम जैसे फार्मूला यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए
वह क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो यदि हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तो एक क्वेश्चन से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे अब इसमें चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो बेस थ्योरम से रिलेटेड है। यहाँ पर बेस थ्योरम में किस तरह से क्वेश्चन होंगे, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस थ्योरम के एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक बैग है यानी बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। पहले बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल एंड बैग टू कंटेन 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। अब यहां देखिए दो बैग है, बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल एंड बैग टू 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। एक रेड बॉल रेंडमली इसमें ड्रॉ करते हैं और हमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो रेड बॉल निकल रहा है वो सेकेंड बेग का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इवेंट इवन कंसिडर करेंगे बेग के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन बेग फर्स्ट को कंसिडर करेगा, तो इवन की जो प्रोबेबिलिटी होगा सिंस देयर आर टू बेग हियर ओनली, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा 1/2, टू बेग्स यहाँ पर है तो यहाँ पर पी टू हमारा क्या हो जाएगा भी 1/2 होगा। बेग टू सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बेग टू सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बेग फर्स्ट बेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारा यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा। अब हम एक इवेंट लेंगे जो रेड बॉल के लिए होगा, एक बॉल ड्रॉन करते हैं और वह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तब हम यहाँ पर पहले बेग से रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी ए बाई ईवन वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल बॉल 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ टोटल बॉल कितना हो जाएगा 11 होगा। तब यहाँ पर एक रेड बॉल पहले बेग से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/7 हो जाएगा और सेकंड बेग से रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा है कि जो रेड बॉल निकाली जाती है वो सेकेंड बेग से है, यानी सेकेंड बेग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि हमको निकालनी है तब हमारे यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तब यहाँ पर बेस थ्योरम हमारे क्या होगा, अब रेड बॉल सेकंड बैग में है, सेकंड बैग का इवेंट क्या है E2, तो यहाँ से ये बन जाएगा E2/A इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग सेलेक्ट करने की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन, यहाँ पर दो इवेंट है जहां से समीशन को हम हटा देंगे, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कंसिडर होगा ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब यहाँ देखिए ये बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम हमने सारा चीज कैलकुलेट कर लिया, E1 कैलकुलेट हो गया, E2 कैलकुलेट हो गया, E1 से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मिल गया, सेकंड बेग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ मिल गया। क्वेश्चन ये पूछा कि जो रेड बॉल निकाली जाती है वो सेकंड बेग से ही है, तो सेकंड बेग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यूजिंग बेस थ्योरम, तब की कंडीशन में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इज इक्वल टू PE2 इनटू PA/E2 और यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को तब कर दें तो यहाँ से क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ PE2 ये कितना 1/2,
इनटू ए बाई ई टू, ए बाई ई टू कितना 5/11 अपॉन 1/2 इनटू 3/7 प्लस 1/2 इनटू 5/11, ये कंडीशन आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 5/22 अपॉन 3/14 प्लस 5/22 ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5/22, एलसीएम इसका जाएगा 14 × 22 एंड ये 22 टाइम्स इसमें जाएगा तो ये होगा 66 प्लस इसमें 14 टाइम जाएगा ये हो जाएगा 70। अब यहाँ से 22 एंड 22 कैंसिल होगा, अब यहाँ पर 5 × ये 14 अप साइड में चला जाएगा और ये यहाँ पर टोटल हो जाएगा 136। मीन्स यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 70/136। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिलेगा अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, यहाँ पर सेकेंड बेस से रेड बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा 70/136। इसी तरह से इनमें जो क्वेश्चन होगा मिक्स्ड होंगे, यहाँ पर तीन कंडीशन, तीन सेलेक्टिंग एरिया भी दे सकता, उसमें अलग अलग थिंग्स होंगे, उन चीजों को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर जिस कंडीशन पर प्रोबेबिलिटी पूछा है बेस थ्योरम हम यूज करके उस प्रोबेबिलिटी को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेस थ्योरम के इम्प्लीमेंट को देखें, और यहाँ पर बेस थ्योरम